वो शक आगे चलकर नासूर बन जाता है। पूरे प्रयास हो रहे हैं कि लोकतंत्र पर किस तरह से आघात हो, किस तरह से हमले हो। वो एक गाना था, सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। यहां सरकार जो रक्षक है लोकतंत्र की, वही अगर, लेकिन कोई भी पुत्र अपनी मां को कमजोर करने के लिए कुछ काम ऐसा नहीं करेगा। लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसको चुनाव कहते हैं, अगर उस पर किसी को संशय हो जाए तो मदर तो रूठ ही जाएंगे। 17,50,000 वीवीपैट्स में से 6.5 लाख, एक तिहाई से ज्यादा वीवीपैट्स खराब पाई गई, और चुनावी प्रक्रिया पर, लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास टूटे नहीं, बना रहे। आज इस स्थिति में हमारा लोकतंत्र आया इन सब की कुर्बानियों और मेहनत की वजह से कि प्रधानमंत्री सर ऊंचा करके कह सकते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की मां भारत को बताते हैं। तो वह ऐसे ही नहीं बनी मां, उसके लिए सबकी कुर्बानियां रही। टू मेक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी देयर हैव बीन सैक्रिफाइसेस गैलोर। लेकिन कोई भी पुत्र अपनी मां को कमजोर करने के लिए कुछ काम ऐसा नहीं करेगा जिससे वो मां कमजोर हो जाए, उल्टा उसको ताकत देगा, मजबूती देगा, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, उसके स्वास्थ्य की चिंता करेगा। जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है, पूरे प्रयास हो रहे हैं कि लोकतंत्र पर किस तरह से आघात हो, किस तरह से हमले हो, फिर भी अगर लोकतंत्र जीवित है तो एक आस्था की वजह से जीवित है जो हर व्यक्ति को अपने वोट पर होती है। ईच एंड एवरी वोटर ऑफ इंडिया हैज द कॉन्फिडेंस इन हर और हिज वोट। दैट्स द रीजन डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री सर्वाइव्स डिस्पाइट सेवरल अटैक्स एवरी डे ऑन द इंस्टीट्यूशंस बाय द गवर्नमेंट। जब वोट की उस ताकत या उस अधिकार को संदेह के घेरे में डाल दिया जाए, उसके ऊपर शक के बादल मंडराने लगे, तो फिर लोकतंत्र के लिए खतरे की बहुत बड़ी, बहुत ऊंची आवाज में सुनाई देने वाली घंटी है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा द वायर की स्टोरी थी, मीडिया में रिपोर्ट्स आई, 37% वीवीपैट्स जो ईवीएम के साथ यंत्र लगा होता है जिसमें पर्ची निकलकर दिखती है आपको कि आपने किसको वोट दिया, वीवीपैट, 37% वीवीपैट्स डिफेक्टिव पाई गई। 2018 में खरीदी गई ये वीवीपैट्स, अलग अलग सोर्सेस से खरीदी गई थी, ईसीआईएल हैदराबाद, बीईएल बैंगलोर और बीईएल पंचकूला। 2018 में खरीदी गई इन वीवीपैट्स का उपयोग न केवल 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ, लेकिन उसके बाद के तमाम चुनावों में भी इन्हीं वीवीपैट्स का उपयोग हुआ। ये वीवीपैट जब आई थी, मुझे याद है यूपीए का शासन था और हर राज्य ने अपनी तरफ से कुछ प्रतिनिधि भेजे थे। जब उनका डिस्प्ले हुआ था, टेस्ट हुआ था, दिल्ली की तरफ से मैं गया था कुछ और साथियों के साथ। वीवीपैट्स के लाने के पीछे मकसद ये था कि लोगों का ईवीएम पर और चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा और मजबूत बने, उनको कोई संशय नहीं रह जाए कि अगर मैंने हाथ पे बटन दबाया है तो वो वोट हाथ पर ही गया है या नहीं, या किसी और पार्टी पर बटन दबाया है तो उसी को जा रहा है या नहीं, यह भरोसा उसका मजबूती से उसको मिले वोटर को, इसलिए वीवीपैट लाई गई। अब जो ये 37% वीवीपैट्स हैं, 17,50,000 वीवीपैट्स में से 6.5 लाख, एक तिहाई से ज्यादा वीवीपैट्स खराब पाई गई, सोचिए कितना गंभीर यह मसला है। 2021 में चुनाव आयोग ने, ये चुनाव आयोग की चिट्ठी है जनवरी 2022 की, जो चुनाव आयोग ने इन तीनों कंपनीज जिनका मैंने नाम लिया उनको लिखी है,
कि ये वीवीपैट्स डिफेक्टिव हैं। 4 लाख वीवीपैट्स हैदराबाद ईसीआईएल की खराब निकली, 1,85,000 बीईएल बैंगलोर की खराब निकली और 68,500 बीईएल पंचकूला की वीवीपैट्स खराब निकली। तो ये जो शंका की जो आग है ना, ये चिंगारी ऐसे ही नहीं शुरू हुई। जो लोगों के मन में ये संशय आया, ये कोई मीडिया ने संशय पैदा किया हो या किसी विपक्षी दल ने पैदा किया हो, ऐसा नहीं होता। एक ही सीरीज के सीरियल नंबर वाली हजारों मशीनों का खराब पाया जाना तकनीकी खराबी बताते हुए, तो निर्धारित एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। क्या है वो एसओपी? कि आप तमाम राजनीतिक दलों को बुलाएंगे, उन्हें आप विश्वास मिलेंगे, उनसे आप क्या तकनीकी डिफेक्ट है वो साझा करेंगे और आप क्या कदम उठा रहे हैं वो साझा करेंगे। ये सब नहीं फॉलो किया गया, इसका अनुसरण नहीं किया गया। और जो फर्स्ट लेवल चेक होता है, एफएलसी जिसको कहलाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, 7 दिन के भीतर भीतर अगर मशीन खराब पाई जाए तो 7 दिन के भीतर वो मशीनों को वापस भेजता है और मैन्युफैक्चरर को बोलता है कि साहब इसको ठीक करके दुरुस्त करके भेजिए। यह भी एक एसओपी है, इसका भी अनुकरण नहीं किया गया। 2021 में आपको मालूम पड़ा कि ये खराब है, 2021-22 में जनवरी में आपने चिट्ठी लिखी। ये इतना समय का अंतराल बीत जाना, इस दौरान इतने चुनाव हो जाना, उन चुनावों में इन्हीं मशीनों का उपयोग करना और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का अनुसरण नहीं करना, आखिर आप क्या छिपा रहे हैं, आखिर आप क्यों छिपा रहे हैं? क्या ये तकनीकी खराबी है, क्या ये मानव रचित खराबी है? जो भी है बताइए, सबको विश्वास में लीजिए, तमाम राजनीतिक दलों को आप बुलाइए। ये जो आईटी सेल के मालिक और उनके 2 रुपए वाले ट्रोल हैं, मैं बताता हूं आपको वो क्या कहेंगे इस प्रेस वार्ता के बाद, कि साहब कांग्रेस पार्टी राज्यों में जब चुनाव जीत जाती है तो ईवीएम सही हो जाती है और हार जाती है तो कहते हैं साहब ईवीएम खराब है। देखिए साहब, एक भी वोटर को संशय है चुनावी प्रक्रिया पर तो हम सबका कर्तव्य है, विशेष तौर पे मीडिया का, विशेष तौर पे विपक्ष का, विशेष तौर पे चुनाव आयोग का और विशेष तौर पे सरकार का, कि वो संशय दूर किया जाए। मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं आप, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसको चुनाव कहते हैं, अगर उस पर किसी को संशय हो जाए तो मदर तो रूठ ही जाएंगी, नाराजी हो जाएंगी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी सिर्फ कहने में अच्छा लगता है, उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। रखरखाव ईवीएम्स का हम कई बार रिपोर्ट्स आप लोगों आप दिखाते हैं, हम उस पर रिएक्ट करते हैं कि बिना नंबर के वाहन पे ईवीएम जाते हुए पाए गए, तो क्या हमें चुप हो जाना चाहिए? क्योंकि हम एक चुनाव वहां जीत गए, दूसरा चुनाव वहां जीत गए, इसलिए हमारा मुंह बंद हो जाना चाहिए? हम चुनाव जीतें या हारें, लोगों का विश्वास चुनाव से टूटे नहीं, उस पर से हिले नहीं, यह हमारा सबका दायित्व है, सामूहिक दायित्व है। इंग्लिश में कहते हैं सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। जो सूरज की रोशनी होती है, जो धूप होती है, वो कीटाणुओं का नाश करती है। तो ऐसा जब संशय लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे आ जाए, ऐसे में सरकार को, चुनाव आयोग को खिड़कियां दरवाजे खोलने चाहिए ताकि धूप आए, संशय के कीटाणु दूर हों और चुनावी प्रक्रिया पर, लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास टूटे नहीं, बना रहे। पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण होती है चुनाव में, चुनावी प्रक्रिया में। लोगों के मन में अगर यह शक भी है कि कुछ छिपाया जा रहा है, वो शक आगे चलकर नासूर बन जाता है। हम इसलिए बार बार चुनाव आयोग से और प्रधानमंत्री से और सरकार से आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं कि शक को नासूर मत बनने दिया जाए, ना बनने दिया जाए। हमारा ही मुंह बंद करने के लिए बार बार कोशिश की जाती है। और वो एक गाना था, सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। यहां सरकार जो रक्षक है लोकतंत्र की, वही अगर बीच में आ रही है पारदर्शिता के, वही अगर ऐसे तमाम सवालों पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश करती है बिना उत्तर दिए, तो फिर आप लोग बताइए
कि लोकतंत्र की मां की रक्षा करना, लोकतंत्र की देवी की रक्षा करने की गुहार हम कहां लगाएं।